अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल सबरीनास डायरीज। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए एक मज़ेदार रेसिपी लेके आई हूँ। और रेसिपी बोलते नहीं हूँ, यूँ कह दिए, मैं जैसे बनाती हूँ घर पे, तो मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मैंने आज कचौड़ियाँ बना रही हूँ, तो चले आइए दिखाती हूँ मैं कैसे बना रही हूँ। तो फर्स्ट मैंने इसमें ऑयल लिया है, और ऑयल थोड़ा सा गर्म होने के बाद इसमें हाफ़ टी स्पून रायदाना, हाफ़ टी स्पून कलौंजी मैंने डाला है। इसको थोड़ा सा फ्राई करने के बाद मैं इसमें आलू डाल दूँगी। आलू डाल के अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर तक, 3-4 मिनट तक तकरीबन पकाऊँ, उसको फ्राई करूँ। उसके बाद मैंने हल्दी और मिर्ची की पाउडर ऐड करूँ इसमें। वो ऐड करने के बाद मैं इसमें थोड़ी सी पानी ऐड करके इसको फ्राई करूँगी। फ्राई करने के बाद मैं इसमें कुछ ज़्यादा यूँ के 3-4 ग्लास पानी डाल दूँगी, इसमें आलू गल जाए। और थोड़ी सी फूड कलर मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ी सी, और आप लोगों के पास नहीं है तो फूड कलर तो आप लोग ना भी डाल सकते। अब मैं इसमें पानी डाल के इसको ढक्कन लगा दूंगी तकरीबन 25 या 20 मिनट्स के लिए। उसके बाद ये जो है सारा अच्छे से गल जाएंगे। अब देखिए, ये जो मेरे सालन ने गल गई तकरीबन, अब मैं इसमें जो है ना, जो मिक्स अचार होता है वो मैं डाल दूंगी तकरीबन 1 टेबल स्पून, या जितना आप लोग की मर्ज़ी है, आप लोग जितना खट्टा चाहते हैं उतना। और बीच में एक बोलना भूल गई मैं, अगर आप लोग चाहे आलू साबुत रहे तो आप लोग को भी रख सकते, और नहीं फिर आप लोग मैश भी कर सकते इसको अच्छे से हिला के, तो वो आपकी मर्ज़ी है। मैंने इसमें थोड़ी थोड़ी सी मैश की और थोड़ी सी ये साबुत रह गई आलू। अब जो मेरा सालन जो है, अब ये पक गई है। जो कचौड़ियाँ बनाऊंगी उसके अंदर जो फीलिंग होते हैं वो कैसे बनाती हूँ मैं। पहले मैंने इसमें मूंग और मसूर की दाल ली है, 1-1 कप दोनों, अच्छे से गीला करके रखा है मैंने अच्छे से। तो इसके बाद मैंने अब इसमें मिर्ची की पाउडर, वन टेबल स्पून या हाफ टी स्पून मिर्ची पाउडर डाल सकते हैं आप, और 1 टेबल स्पून जो है गरम मसाला पाउडर शान की, और थोड़ी सी हल्दी और सॉल्ट मैंने ऐड की। और उसके बाद मैं थोड़ा सा 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट में डालूंगी। मेरे पास पेस्ट तो नहीं है, मैंने क्यूब्स बना के रखी फ्रिज में, वो मैं अभी इसमें ऐड करूंगी। ऐड करके अच्छे से मिक्स करके और पानी डाल के इसको तकरीबन 15-20 मिनट के लिए गलने के लिए रख दूँ। अब देखें, 15-20 मिनट बाद जो है मेरा ये बिल्कुल गल गई है, और मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। अब इसका चूल्हा बंद कर देती हूँ मैं। जो कचौड़ियाँ बनाऊँगी उसका डो कैसे बनाऊँ, पहले तो मैंने यहाँ पे 2 कप मैंने इसमें मैदा ली है, और 2 कप मैदे के बाद मैंने इसमें 2 टेबल स्पून जो सूजी है वो लिया है। और ये के लिए आप लोग ज़्यादा कम ज़्यादा कर सकते हैं, आप लोग जैसे जितने कप मैदा लिए है उतने कप सूजी डाल दें, उस लिहाज से, कप के लिहाज से ना, जितने कप आप मैदा लेंगे। अब इसमें मैंने 1/2 टीस्पून जो है सॉल्ट डाल देती हूँ, और अच्छे से ये तीनों चीज़ें जो है मिक्स करने के बाद मैं इसमें 3 टेबल स्पून तकरीबन ऑयल डाल दूँगी, कुकिंग ऑयल। अब कुकिंग ऑयल डाल के भी अच्छे से मैं इसमें मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद मैं ग्लास में मैंने गर्म पानी रखा, नीम गर्म पानी, तो ये मैं आराम आराम से मिक्स करते जाऊँ और इसको डो बनाते जाऊँ। आप लोग जल्दबाजी में इसको ज़ोर से नहीं करना है, तो फिर ये डो जो है काफ़ी कड़क बन जाएंगे, तो फिर पूरी अच्छी नहीं बनेगी कचौरी, तो वो कड़क बन जाएंगे। तो थोड़े थोड़े पानी लेना है और अच्छे से इसको मिक्स करना है। देखिए, मेरा डो जो है मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, कितना सॉफ्ट बनी है। अब इसको तकरीबन 1-2 घंटे के लिए मैंने ढक के रख दूँगी। अब देखिए, 1-2 घंटे बाद मैंने अब इसको आप कचौरी बना के दिखाती हूँ। पहले इसे राउंड शेप में बनाना है हम लोगों को, और उसके बाद मैं इसमें जो दाल की जो अंदर फिलिंग की बनाई हुई दाल को, जो दाल की मसाला है वो मैं अंदर डालूँगी। आप लोगों की मर्ज़ी है, आप लोग कौन सी साइज़ में बनाना चाहती है, छोटे बड़े। मैं तो दरमियानी साइज़ की बना रही हूँ, ज़्यादा बड़े भी नहीं है, ज़्यादा छोटे भी नहीं। अब इसको अच्छे से फील करके गोल सा शेप बना के अब मैं इसको थोड़ा सा बेल लूँगी।
हल्के हाथ रख के, ज़्यादा दबाओगे तो भी अंदर की जो मसाला है वो बाहर निकल जाएंगे और फ्राई अच्छी नहीं होगी। अब जो है देखें मेरा ये पूरी बन गई है, अब मैं इसमें फ्राई करके दिखाती हूँ आप लोगों को कितनी फूली वो बनती है मेरे जो पूरी है। आप लोग को अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे रेसिपी ट्राई करें रेसिपी, और मेरे चैनल को आप लोग अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर करें, जैसे मैं आप लोगों को न्यू न्यू वीडियो दिखाते रहूँ। देखें ये पूरी जो है फूल गई है, अब इसको दोनों साइड में ना अच्छे से फ्राई कर लेना है। अब देखें मेरे सालाना पूरी एक साथ में बन गई है और कितना मज़े की बनी है तो आप लोगों को मैं बता नहीं सकती हूँ, और आप लोग जो है घर पे ट्राई करेंगे आप बनाएंगे उसके बाद ही आप लोगों को पता चलेंगे। आज के लिए यहाँ तक ही, अल्लाह हाफ़िज़।